कंपनी जाते थे हम छत थे इनको वहीं से मिले थे हम अच्छा दबाव कह रहे के, के बावजूद भी हम कल आएंगे हाजीपुर आप बलिया से चल के आए या फिर हरियाणा से बलिया से अच्छा बलिया में भी आप रहते मतलब कि राकेश में आपको ऐसा क्या देखा कि बलिया से चल कर के आप बिहार आ गए बेटा तो कर के गलती से ले आया तो आप तो रखना चाहवे न उससे हमको कोई मतलब नहीं चाहे जैसे कर ले हम भी बच गया घिढ़ी तिढ़ा करे से <laughs> खर्चा से बच गया ऐसा तो नहीं, नहीं ना लग रहा है कि हमको तिलक वगैरह नहीं मिला फिर नहीं से शादी करेंगे ऐसा कोई बात नहीं ऐसा ऐसा कोई बात कुछ डायरेक्ट मतलब कि काम करने गए थे शाम में आए तो समी बन गए बन जब हो गया अठारह साल आधार कार्ड पे तो हमने पांच सितम्बर को कोर्ट मैरिज कर लिया अच्छा हिलसा में दोनों राजी खुशी के साथ कोर्ट मैरिज किया जी और हरियाणा पुलिस और बलिया इस्लामपुर पुलिस आया था और इसे जबरदस्ती यहाँ से ले लेकर, लेकर चला गया कैसे कैसे मिले थे सालू से और अब तो शादी भी कर ली है आप जी नमस्कार प्रणाम मैं अमित चौरसिया और, और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक हमारे बगल में दो प्रेमी जोड़ा आपको दिख रहे होंगे लेकिन अब ये प्रेमी जोड़ा नहीं अब ये पति पत्नी में तब्दील हो चुके हैं कहानी शुरू होता है आज से तीन वर्ष पूर्व हरियाणा में दोनों का क्या बोलते हैं कि मिलन होता है और मिलन होने के बाद दोनों प्रेम में बंध जाते हैं और प्रेम इतना गहरा कि बीच में दो तीन बार क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से बिछड़ते भी हैं लेकिन पाँच छः दस दिन पहले हुआ ये कि बलिया की रहने वाली शालू अपने प्रेमी से मिलने के लिए हाजीपुर तक चली आती है और हाजीपुर फ़ोन करके अपने प्रेमी को बुलाती है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं उसके बाद ये कहीं दूसरे जगह काम कर रहे होते हैं रक्सौल में और वहाँ से भागे दौड़े आते हैं और सालू से हिलसा कोर्ट में जाकर के शादी रचवाते हैं लेकिन अब इस शादी से सालू के घर वाले खुश नहीं हैं संतुष्ट नहीं हैं उनका कहना है कि हम इस शादी को नहीं मानते हैं लेकिन सालू और राकेश कोर्ट में जा के शादी रचाए हैं पूरे विधि विधान के साथ शादी रचाए हैं इनके हाथ में आप देख रहे हो कि शपथ पत्र भी लिया दोनों के पास शपथ पत्र है और ये दर्शाता है कि अब हम दोनों एक दूसरे एक दूसरे के लिए बंध चुके हैं जिएंगे भी एक दूसरे के लिए मरेंगे भी एक दूसरे के लिए इसमें शपथ लिया गया है और इसमें बताया गया है कि मैं राकेश कुमार उम्र इक्कीस वर्ष पिता मनोज कुमार साकिन हरसेनी पोस्ट लारनपुर थाना इस्लामपुर जिला नालंदा राज्य बिहार हिंदू धर्म राष्ट्रीयता भारत और जो भी मतलब कि इसमें लिखा हुआ होता है वो इसमें लिखा गया है और उनके भी शपथ पत्र पे लिखा गया है जो मतलब कि कोर्ट में लिखवाया जाता है अब हम जानेंगे कि आखिरकार पिछले तीन वर्षों में क्या क्या हुआ और इस शादी से घर वाले कितने खुश हैं लड़के के घर वाले कितना खुश हैं और लड़के के घर वाले कितना खुश हैं तो रखे सबसे पहले बताइएगा कि कैसे कैसे मिले थे सालू से और अब तो शादी भी कर लिए हैं आप जी हमारे आना में जब ड्यूटी करने के लिए जाते थे तो मेरा रूम उधर ही पड़ता था जब जाते थे तो देखते थे देखती थी तो ऐसे ही जान पहचान हो गया फिर मंडी में मिलने के लिए आती थी उसी प्रकार से फिर मिलते मिलते ज़्यादा जान पहचान हो गया ठीक तो फिर बात होने लगा मोबाइल से बात होने लगा फिर ये घर आ गई तो बात करते थे इसके घर वालों को पता चला तो हमारे साथ कुछ मतलब बिछड़ने का वो दूरी बनाने के लिए किया गया तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बात नहीं हुआ फिर कुछ दिन बाद फिर बात होने लगा फिर जब ये कुछ दिन बाद आई गुड़गांव में तो हम इसको मतलब यही मुझे लेकर यहाँ बोले कि हम यहाँ पे हम मम्मी के साथ नहीं रहेंगे हम आपके साथ जाना चाहते हैं तो कुछ दिन बाद एक डेढ़ साल बात करने के बाद उसके बाद हम इसको घर पर ले आए अच्छा अपने घर यहाँ हाँ यहीं पे लेके आए थे तो यहाँ दो तीन दिन रही उसके बाद क्या हुआ कि इसके मम्मी पापा कंप्लेन किए थाना में और हरियाणा पुलिस और बलिया इस्लामपुर पुलिस आया था और इसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर तो चला, चला गया और दोबारा क्या हुआ कि फिर दोबारा तो हो गया तीसरा बार में ये हुआ कि ये कुछ दिन बाद करीब एक साल से ऊपर ही हो गया था एक साल बीस पच्चीस दिन हो रहा था तभी ये फिर बीच में बात होता था कभी कभी उसके बाद फिर ये फोन की कि हम कल आएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हम ऐसे उसे नहीं करना फोन नहीं करना उसके बाद कल आई बोली हम इतना बजे हाजी पटना पहुंचेंगे और ये हाजीपुर आई तो फोन की कि आप कहाँ है, हैं हम हाजीपुर आ गए हैं उसके बाद हाजीपुर आने के बाद हाजीपुर में हम दोनों मिले उसके बाद शायद बाईस तारीख था बाईस तेईस तारीख था बाईस तेईस अगस्त नहीं अगस्त नहीं अगस्त से पिछले महीने जुलाई जुलाई बाईस तेईस जुलाई को मतलब पिछले महीने आई थी उसके बाद इसका आधार कार्ड पे उम्र कुछ कम था तो हमने इधर उधर मतलब कुछ... कि समय बिताया कि 18 साल का पूरा हो जाए हाँ हाँ तो उसके बाद जब हो गया 18 साल आधार कार्ड पे तो हमने 5 सितंबर को कोर्ट मैरिज कर लिया अच्छा हिलसा में दोनों राजी खुशी के साथ कोर्ट मैरिज किया जी कौन कौन थे वहाँ पे मौजूद वहाँ पे दो तीन लोग और थे वकील भी थे और जो कागज बनाए वो भी थे और दो तीन गवाह भी था अच्छा। कोर्ट में वो सबके सामने हुआ है अच्छा तो कोर्ट में शादी करवाए अब तो आप इनके साथ हो गए हैं इनके घर वाले क्या बोल रहे हैं आपको इनके घर वाले अब उनसे तो बात अभी नहीं किए हैं और बात नहीं हो रहा है शायद कंप्लेन भी किया हमारे ऊपर ठीक और उसके बाद तो फिर अभी बात नहीं हुआ बात होगा तब पता चलेगा की क्या बोलते हैं राकेश शालू के साथ शादी करके कितना खुश है बहुत खुश है कोई दिक्कत नहीं है नहीं है कोई परेशानी नहीं है नहीं है ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि हमको तिलक वगैरह नहीं मिला फिर नहीं से शादी करेंगे ऐसा, ऐसा कोई बात नहीं है ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है नहीं मतलब कि बहुत विधि विधान के साथ जो भी शादी होता है कोर्ट में वैसे आप लोग कर लिए हैं आए, जी आपके आप कहाँ के रहने वाले हैं सालू हम बलिया के रहने वाले हैं बलिया के रहने वाले हैं राकेश को आप कैसे जानते हैं पकड़िए राकेश को हम हरियाणा से ही जानते हैं कैसे मिले थे आप राकेश से कंपनी जाते थे हम छत से देखते थे इनको वहीं से मिले थे हम अच्छा हाँ मंडी में आते थे मिलने के लिए पास में ही मंडी पड़ता था वहीं पे अच्छा राकेश बोल रहे हैं कि एक दो बार हम दोनों को बिछड़ने की भी कोशिश किया गया परिवार वाले के तरफ से कैसे, कैसे कैसे मतलब कि क्या क्या हुआ था उस दौरान गुड़गांव में एक बार मम्मी पता चल गया था तो मम्मी वहाँ पे बोली थी बोली थी मिलने के लिए तब ने मना कर दिया तो वहाँ से घर पे लेकर आई घर पे पता चला तो घर से कह रहे कि नहीं अब तेरी शादी करवाएंगे दूसरे जगह तो शादी करवा रही थी तो हम इनको फोन करके बुलाए तो हम हाजीपुर आए हाजीपुर से हम लेकर आए इधर अच्छा हाजीपुर आप बलिया से चल करके आए या फिर हरियाणा से बलिया से अच्छा बलिया में भी आप रह रही थी अभी गाँव में ही रह रहे थे और मम्मी पापा कहाँ रह रहे हैं पापा गुड़गांव रहते हैं हरियाणा में मम्मी गांव में रहती है अच्छा आप और मम्मी अभी गांव में रह रही थी शादी के कुछ दिन पहले आप हाजीपुर आई शादी के दो तीन दिन पहले आई थी अच्छा शादी के दो तीन दिन पहले हाजीपुर आई थी अच्छा आप कोर्ट मैरिज शादी किए हैं कोर्ट मैरिज किए हैं है। अब किसी का डर है नहीं ना थोड़ा सा भी नहीं है अच्छा थोड़ा सा भी नहीं है मम्मी ऐसा नहीं लग रहा है की मम्मी पापा बोलेंगे तो हम दोनों को बिछड़ा जाना होगा नहीं इन्हीं के साथ रहना है इन्हीं के साथ रहना है अच्छा मतलब कि राकेश में आपको ऐसा क्या दिखा कि बलिया से चल करके आप बिहार आ गए अब जो दिखा इनके साथ चल कर आ गए ये प्रेम का क्या बोलते हैं कि शक्ति है कि आपको बलिया से बिहार लेकर के चलाया आप करते क्या है शालो कुछ नहीं पढ़ाई करते थे अब कुछ नहीं करते अच्छा कितने क्लास तक पढ़े लिखे तो. अच्छा, हैं आप तक अच्छा पास और आप राकेश अच्छा ये टाइम्थ पढ़े हुए हैं आप पढ़े हुए हैं अभी राकेश फिलहाल क्या कर रहे हैं अभी कुछ नहीं कर रक्सोल में काम कर रहे हैं अच्छा आप अच्छा, शादी कर लिए हैं तो मम्मी पापा को कि हम शादी कर लिए हैं अभी तो नहीं पता है फोन नहीं? करके बताने वाले थे अच्छा। बताएंगे भी अच्छा आप बोल रहे थे कि मम्मी पापा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि शादी क्यों की वगैरह वगैरह हम्म दबाव किए कह रहे हैं कोर्ट मैरिज करने के बावजूद भी तुझे लेकर जाएंगे वहाँ से ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे पापा जी को अच्छा मतलब कि आपके ससुर जी हुए जो राकेश के पिताजी जी हो उनको किया जा रहा है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कोर्ट मैरिज कर मैर तभी तो उसको लेकर जाएंगे नहीं तुम्हारी लड़की को हम लेकर आएंगे को तुम लेकर गए हो तो अच्छा मतलब कि राकेश के बहन को ले जाने की बात कर रहे हैं आपके पिताजी मम्मी बात कर रही है पापा नहीं हाँ जो भी मतलब कि आपके परिवार हैं वो बात कर रहे हैं ना कि कोर्ट में किस तारीख को आप शादी रचाए थे पाँच सितंबर पाँच सितंबर को टीचर डे था शायद उस दिन उसी दिन आप लोग शादी करना है वहाँ पे कौन कौन थे आपके साथ कोर्ट में कौन कौन थे दो तीन लड़के थे और हम थे वकील थे आपके परिवार वाले के तो कोई नहीं होंगे नहीं था अब इसी के साथ रहना है इन्हीं यही पे रहना है बिहार में ही यहीं पे रहना है बिहार में तोड़ कहा जाएंगे अब राकेश जहाँ रखे वहाँ रहना है आपको हाँ। अच्छा मतलब कि पूरा राजी के साथ पूरा मतलब कि खुशी के साथ आप शादी किए हैं और अब आपको परिवार वाले प्रताड़ित कर रहे हैं उससे आपको डर लग रहा है हम्म थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है इस डर को कैसे हटाइएगा राकेश इस डर को कैसे हटाएंगे इसमें कागज में साफ साफ लिखा है कि यह कि उत्तक शादी उक्त शादी स... में स्वेच्छा से की हूँ अगर भविष्य में मेरे पिता या पति या परिवार का कोई भी सदस्य मेरे ससुराल परिवार पर किसी तरह का कोई केस मुकदमा करते हैं वो गलत वो अमान्य समझा जाएगा मतलब कि कोर्ट में ये कसम खा करके आई हैं सालू कि अगर मेरे परिवार वाले के द्वारा मेरे ससुराल पक्ष के ऊपर कोई दबाव बनाया जाएगा तो वो बिल्कुल गलत और अमान्य समझा जाएगा मतलब कि आप पूरे तरीके से राकेश के परिवार वाले के हो गए हैं हाँ, हो गए हैं आगे क्या करना है आगे कुछ नहीं करना है आगे अब राकेश के साथ रहना है ना उधर राकेश के पिताजी हैं मनोज जी हैं मनो� मनोज जी इसी गाँव में रहते होंगे खेती करते होंगे क्या करते हैं खेती करते हैं खेती करते हैं अब भी बन गए अब तो गए बनी उस दिन से तो पता नहीं था हाँ। काफी दिन से हाँ। हमको पता नहीं दिया अच्छा। आज तारीख को हम भी घर आते हैं कहीं हुँ। से और पाँच तारीख को शाम को ये पहुंचता है हम पहुंचे एक बजे पहुँचा है शाम को अच्छा मतलब कि देखे कि ऐसे कैसे हो गया अच्छा उतना दिन से हमको पता नहीं दे रहा था अब आप है जो हमको पता लग गया डायरेक्ट मतलब कि काम करने गए थे शाम में आए तो बन बन <laughs> तो बन बन गए बात है <laughs> सुबह खेत में काम करने गए थे शाम में रिश्ता ही चलिए घर में नहीं थे अच्छा जो भी जहां भी बाहर से कोई सामान लाने के लिए चल गए थे आई पता लगाने के लिए हमको जब वहाँ से दबाव दिया तब हम इसको खोजने के लिए फोन से तो बातें नहीं हो रहा नहीं हो रहा है तो खोजने के लिए बोला कि खोज के पता कीजिए हमको बेटी चाहिए अच्छा अपना बेटा रख लीजिए हमको बेटी चाहिए तब मिलेगा हमको तब ना हम देंगे आपको भी नहीं पता है कि बेटा बेटी कहाँ है? कहाँ है बेटा बेटी तो कोर्ट में शादी शादी कर, कर, कर लिया कहने था यार दोस्त यहाँ था कहाँ था भगवान जाने उसको हमको कोई मतलब नहीं था अच्छा आप शादी करके आया तब ध्यान देख रहे हैं अच्छा ये मलाल तो नहीं ना है कि बेटे का शादी किया तिलक नहीं मिला उससे हमको कोई मतलब नहीं चाहे जैसे कर ले हम भी बच गया घिड़ारी तिढ़ारी करे से <laughs> खर्चा से बच गया, बच गया सब कुछ बच गया गांव घर वाले तो बोलते होंगे मजाक करते होंगे हाँ मजाक न करेगा कह रहा मिठाई खिलाबो हाँ। खाना खिलावो हाँ। तो कोई समय आएगा तब ना खिला देंगे भाई ऐसे थोड़ी खिला देंगे अब दादा बनेगा तब मिठाई खिलाएंगे है ना लड़का के माता किधर है मम्मी भी होंगे शायद इनके किधर है किधर है मम्मी कि आप इधर आइए आंटी थोड़ा सा अरे तरीके ये और राकेश के मम्मी हैं और शालू के माँ है शादी से कितना संतुष्ट है करेंगे अब कोई दिक्कत नहीं न है नहीं दिक्कत नहीं बहू को परेशान नहीं ना कीजिएगा ना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा तो अब कर के ले कोई किसी भी लेके आ जाएगा तो ने? हम तो रखना चाहवे करते हैं अच्छा रख भी रहे की रह एक बार और भी आई थी सॉरी जैसा हाँ।, कि बता रहे है। हाँ एक बार आओ आई थी तो इसको मम्मी ने आया पुलिस दरोगा लेके तो इसको लेके चल गया बरिया मार पीट कर घींच तीर का लेके चल गया इसको मम्मी नहीं जा रहा है थी तो यो घींच के लेके चल गया था हम सब नहीं कुछ भी नहीं बोले उस समय अब इसको मम्मी दबाव दे रहे हैं कि आपका बेटा है तो तुम दोनों मिल के पति पत्नी खोज के लाइए नहीं लाइएगा तो हमको बेटी के चौकी के बाड़ी खिड़की सब करवा लेंगे आपका बेटी के भी लेके चला लेंगे और जेल का रोटी खाने का मन है तो खा लीजिएगा अब जेल का रोटी अब तो कोर्ट में शादी हो गया बोलते नहीं है। हाँ हमें हमको पते नहीं था तो हम नहीं बोले कि कोटमेरे शादी कर लिया अब जे जान दिन इसको मम्मी फोन किए थे जाने दिन आया शाम में आया छः बजे हमको पति खोज के आए एक बजे के लिए तो उसको मिलवे नहीं किए हैं तो हम काज नहीं किए छः बजे ने आया तब फिर हम फेन है? बहू है बहू है वो कहते हैं ना कि दो प्यार करने वाले को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी दो दो बार दोनों को भी छड़वाने की कोशिश की गई शालू के माता पिता के तौर तो से लेकिन वो और प्रेम गहरा होते गया और शालू बलिया से चल करके बिहार आई और बिहार आ कर के हिलसा कोट में बाकायदे रीति रिवाज से शादी की और अब ये बोल रही है कि अब हमको कहीं नहीं जाना है राकेश जहां रखें खुश रखें नाराज रखें हम उन्हीं के साथ रहेंगे इनके माता पिता भी सालू को स्वीकार कर चुके हैं बाकी आप इस प्रेम कहानी के प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहना आलमदा दस्तक धन्यवाद